हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शूट करते करते ही कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाया था। मैंने ऑलरेडी तीन टॉपिकों के ऊपर वीडियो शूट कर दिया था, टॉपिक एक, दो और तीन। चौथा टॉपिक जो था वो था बजट में स्थान और मेडिकल सुविधा। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर करते करते ही कवर नहीं हो पाया था, पूरा वीडियो नहीं हो पाया था। तो इसके पहले के टॉपिकों के बारे में अगर आपको जानना है तो इसके पहले वाले वीडियो में चले जाइए, आप उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और आई बटन पे वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बजट में स्थान और मेडिकल सुविधा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब से मिलने लगेगी, क्या चीजें हैं। देखिए, अभी हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पिछले सत्र में जो ईपीएस 95 पेंशन धारक जब अपनी बात को रखे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने और बड़े बड़े जगहों पे, तो वहां पे बहुत सारी संस्थाओं ने उनका सपोर्ट किया था और बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है उनके बजट में एक अतिरिक्त बजटी प्रावधान का जिक्र आया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी दो तीन महीने पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जब पेंशन में वृद्धि की बात कही गई थी तो मात्र 1000 रुपए से 2000 रुपए करना था। वहां पे बजट से संबंधित प्रॉब्लम आ गई कि अब पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकती है। उस कंडीशन में इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं सरकार के माध्यम से, इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि अब बजट में ही अतिरिक्त जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके एक स्थान दे दिया जाए, फिक्स अमाउंट दे दिया जाएगा कि इतना पैसा आपको दे दिया जाता है। उतने पैसे में जितने भी आपके पेंशनर्स हैं, जो 70-75 हजार 75 लाख जितने भी पेंशनर्स हैं, सभी पेंशनर्स को आपको पेंशन की राशि देनी है। ये अच्छा, एक इस पे एक मतलब कि जो अनक्लेम्ड या अनसेटल्ड अमाउंट ईपीएफओ के पास में पड़ा हुआ है, उस पैसे का भी उपयोग ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के रूप में किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी बातें हैं, जो तकरीबन बहुत ज्यादा पैसा है। अब कितना पैसा है, हालांकि इसके पहले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी उसमें जिक्र किया था, देखो करीब 2100 करोड़ के आसपास है, 7100 करोड़ के आसपास ऐसा कुछ पैसा है जो अनक्लेम्ड है, जिसके ऊपर किसी का कोई क्लेम नहीं, या जो अनसेटल्ड है, जो सेटल नहीं हो रहा है पैसा, वैसा पैसा बचा हुआ है लेकिन वो किसी न किसी का पैसा है। तो ये बजट में व्यवस्था होने वाला है। मेडिकल सुविधा के लिए अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल सुविधा के लिए चाहे वो सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो, दोनों तरफ से सहमति निश्चित हो गई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि उसमें की जा सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपको कैसा लगा ये भी हमें बताएं। और रही बात